गाइस, कैसे ही आपकी पढ़ाई? चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हर स्टूडेंट चैप्टर में जो ले रहा हूं P2 का, उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भेज रहा हूं। वो लिंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि उसके अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस लिए वाले, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का जो चैप्टर लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने 2 वीडियोस बनाए। आपको लग रहा है कि सब 2 वीडियो में क्यों खत्म किया आपने? 2 वीडियो नहीं बच्चों, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और 3 वीडियोस की लिंक भेजी है। उस लिंक में मैंने कैपेसिटर सीरीज पैरेलल के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कैसे निकालते हैं, पूरे की पूरी कहानी उसमें बताई है। आज भी मैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिलो, मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं लिंक दूंगा। और लिंक में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 11 का टॉपिक खत्म करने वाला है क्या, तो 11 और 12 का जो चैप्टर मिक्स है वही चैप्टर दिए हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 11 में है, 12 में है, यहां पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 में भी है और 11 में है। तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कलर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन ले लूंगा, और सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होता है, क्या होता है, पूरे के पूरे मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। और वही लिंक इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो अच्छी तरह से देखना है तो ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर बनाऊंगा। स्टूडेंट देखो, 2 ही लेक्चर बना रहा हूं और बाकी 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू वो समझा के दिए मैंने, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट फ्लो कैसे होता, सब कुछ कहानी मैंने बताया। ये इंपॉर्टेंस फार्मूले चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंस फार्मूले आपको दिखाई तो दे रहा है स्टूडेंट, सबको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जो बिलो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मैं कैमरा फोकस करके दिखा दूंगा। पहले समझ लेना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो रो एल बाय ए, क्योंकि रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे होता है। लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से ये क्रॉस सब सेक्शन ज्यादा फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना। Kirchhoff's law, first law, algebraic sum of electric current is equal to zero. Algebraic sum of electric current is equal to zero. है ना? तो summation, जैसे कि या incoming current is equal to out. जैसे कि I1 plus I3 plus I5 लिखा तो I2 plus I4 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये incoming current है, ये outgoing current है। Incoming current is equal to outgoing current. दूसरा जो law है, पहले law को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा जो है अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग लूप्स लॉ बोलते हैं, मेस लॉ, लूप्स लॉ, ये नाम होता है किरचॉफ सेकंड लॉ के। वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है तो वी इज इक्वल टू ई, मतलब ईएमएफ, आर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज, ये जो फार्मूला बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा मुझे पता है, इसलिए R1 बाय R2, R3 बाय R4, ओके? ये अननोन रेजिस्टेंस, इस चारों में से जो रेजिस्टेंस पता नहीं है वो निकालने के लिए यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे R1 पता है, पता नहीं है तो R2 इधर जाके हम लोग वैल्यूज पुटअप करके निकाल सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वेस्टर्न ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको ऑफिस जैसे पोस्ट बॉक्स बोलते हैं ना, वो भी बनना हमें एक मीटर ब्रिज है। अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए आर एल एक्स बाय एल आर, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, एल एक्स की कितनी लेंथ है और एल आर की कितनी है। आपको जब क्वेश्चन आएंगे ना तब समझ में आएंगे फार्मूले। कोई लोग यही फार्मूले को आर एल एक्स डिवाइड बाय 100 माइनस एल एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी फॉर्म सही है, कोई गलत नहीं है। मतलब 100, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न ब्रिज की जो लेंथ होती है, कंडक्टिंग होमोजेनियस कंडक्टिंग वायर जो होती है, या 100 सेंटीमीटर की लेते हैं हम लोग, तो जो यक्स के बीच जो नीचे होता है उसको यक्स के नीचे रहा तो एल एक्स बोलते हैं, और इधर जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स जो भी होगा आपका इसके नीचे जो पार्ट होता है उसको एल आर बोलते हैं हम लोग। तो
तो x डिवाइडेड बाय r, एक्चुअल में x डिवाइडेड बाय r ऐसे भी लिख सकते हैं, lx बाय lr, है ना, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे r1 बाय r2, r3 बाय r4, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस r को इधर भेजने से ये फार्मूला मिलता है। वैसे केल्विन मेथड में क्या करते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस करके हम ग्लानामीटर लगा देते हैं बच्चों। तो ग्लानामीटर निकालना है रेजिस्टेंस, तो G इज इक्वल टू आर एल जी बाई एल आर, इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, G इज इक्वल टू आर एल जी डिवाइड बाय 100 माइनस एल जी, ये भी सही है, ये से भी फार्मूला लिख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर यहां पे अगर आर गिवन दिया हो तो स्मॉल आर दिया हो तो यहां पे E डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आर ई, यहां पे स्मॉल आर नॉट गिवन दिया हो तो ये फार्मूला। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर, है ना, दिखाई तो दे रहा है ये फार्मूला बच्चों को, देखो यहां पे कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल एल। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हम लोगों को, समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट देखना स्टूडेंट, यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले तो देखो, किसी को भी अगर वर्ड लगता है ग्रेडियंट तो डिवाइड बाय डिस्टेंस लिखते हैं, डिवाइड बाय क्या लिखता है, डिस्टेंस। पोटेंशियल का ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस मतलब लेंथ। इस फार्मूले को आई रो बाय ए बी लिख सकते हैं, क्यों, आपको पता होना चाहिए कि वी इज इक्वल टू होता है आई आर, और आर का फार्मूला हमने यहां पे लिख रखा है, अगर ये वैल्यू यहां पे पुट अप करता तो ये फार्मूला मिलेगा, इससे मॉडिफाई करके ये भी फार्मूला, ई डिवाइड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाय ये, आर आर कैंसिल नहीं होता क्योंकि यह बॉर्ड मास पता है ना, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको। कंपैरिजन बिटवीन द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल को अगर हमको कंपेयर करना है तो इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि इसका यूज ही है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए। तो इंडिविजुअल मेथड में हम लोग ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू लिख सकते हैं। सम एंड डिफरेंस मेथड में हम E1 by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2 कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल R is equal to capital R, small L1 by L2 minus 1। यदि आप लोगों को अगर EMF एंड पोटेंशियल दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल R is equal to capital R E by V minus 1, ये फार्मूला हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको स्क्रीनशॉट लिख के, मतलब स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लिखना है फार्मूले, उसको दो तीन बार लिख के देखना है, अच्छी तरह से हो जाएंगे अच्छी तरह से। ओके, समझ में तो आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही बच्चों आप लोगों को। ओके, मिटा रहा हूं मैं इसको अभी, अगर किसी का बाकी है तो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, मैंने एमसीक्यूज लिख के रखे और गिवन डेटा भी प्रोवाइड किया है यहाँ पर, पहले ही मैं ये पहला जो एमसीक्यूज है बच्चों इसको पढ़ने जा रहा हूं, और बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल में हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज, दोबारा पढ़ रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 10 होल्ड पर मीटर, फुल स्टॉप, द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 meter, वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 point ऑफ वायर सेपरेटेड बाय लेंथ 25 centimeter। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना, ऑप्शन है 2.5 volt, 5 volt, 7.5 volt एंड 10 volt। देखो यहां पर बहुत इजी, ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही आंसर है, देखो V by L is equal to 10, तो V निकालना है तो 10 multiply L, तो V is equal to 10, L की वैल्यू है 25 into 10 raised to minus 2, तो बच्चों यहां पे 25 into 10 raised to minus 1, ये 10 raised to 1 है तो minus 1, तो 2.5 volt इतना वोल्टेज मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दो सेपरेटेड पॉइंट के बीच में। अब लोगों को लगता है कि सर इतने इजी इजी एग्जांपल ले रहे, कैसे होगा, इजी तो एग्जांपल नहीं आते बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे नियर अबाउटली जो क्वेश्चंस होते हैं 20 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया 20 क्वेश्चंस है कि जो ये लेवल होती है, और जो रिमेनिंग 20 है तो उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं,
ये आपको रूटीन में लाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, पहले इजी बाद में हार्ड, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अ सेल इज बैलेंस्ड बाय लाइन, अ सेल इज बैलेंस्ड बाय लाइन 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, व्हेन अ सेल इज सेंटर्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम, द बैलेंसिंग लेंथ इन 80 सेंटीमीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल कितना होगा, ऑप्शन ए 2.5 ओहम, ए बी है 3 ओहम, सी ए 4 ओहम और डी ए 5 ओहम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैंने फार्मूला यहां लिख के दिया था, याद होगा बच्चों आपको, कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन, ये फार्मूला मेरे पास। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है 5, एल वन है 120। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए बच्चों यहां पे हम लोग मतलब कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे तो पता आपको कि क्यों, इसका रीजन है क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। तो ये 80 माइनस 1 तो 5, ये 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 है ना, तो ये 5 यहां पे बचे हैं 40, 120 में से 80 गया तो ये 80, 0 से 0 मर गया, ये 1/2, मतलब 5/2, मतलब 5/2 मतलब 2.5 ओहम, इतना रेजिस्टेंस यहां पे होगा, समझ में आ रहा है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे पास, टू होल्ड पोटेंशियोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, दोबारा पढ़ रहा हूं, टू होल्ड पोटेंशियोमीटर इज यूज टू द डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 होल्ड सेल, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, द बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल इन ओपन सर्किट इज 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, वेयर अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, देखो पहले जो गिवन डेटा दिया है ना बच्चों, वो कुछ काम का नहीं है हमारे, वी टू होल्ड दिया, ये दिया वो दिया, कुछ काम का नहीं, हम लोगों को इतना ही काम, मतलब कभी कभी अननेसेसरी ऐसे गिवन डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस स्टूडेंट ने कंफ्यूज मत होना, नहीं तो सर ये क्या है वो क्या है, हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मेरे पास पहले सबसे पहले क्या पूछा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आर एल वन बाय एल टू माइनस वन, क्या है इसमें, है तीन चीजें, तो बाकी चीजों के ऊपर मत कंफ्यूज होना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मत करो, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एल वन बाय एल टू माइनस वन, तो कैपिटल आर है मेरे पास 10, एल वन है 75 और एल टू 60 माइनस वन, तो 10 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 डिवाइड बाय 60, तो 10 ये 15 है ना, 75 में से 60 गए और ये 60, तो ये हो गया 1/4, मतलब बच्चों 10 और ये डिवाइड बाय 4, समझ में आ रहा है ना, 15 4 जा 16 होता है ना, तो r इज इक्वल टू 2 जा ये 20 मतलब 25 ओम, तो यहां पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 और यहां पे भी 2.5 ओम, इतना इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है। ओके देखो यहां पे 4, 5 और 6 नंबर का मैंने क्वेश्चंस लिखा है, क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूं, इन द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इसकी वैल्यू आई क्या होगी, ऑप्शन ए 3A मतलब 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। बच्चों हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के कुछ फॉर्मूले देखे, क्या लिखा था मैंने, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो,
मतलब इसका ये होता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, जो भी आउट गोइंग करंट है। चलो इनकमिंग करंट को सम करना है, इन कौन कौन आ रहा है, आ रहा है दूसरा कौन आ रहा है 4 एम्पियर, दूसरा ये इन देखो ये जंक्शन है ना, इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, आउट गोइंग बाहर जाने वाले 5, ये बाहर जा रहा है आई थिंक ये 3 है, सॉरी हाँ ये 3 है, तो यहां पे हो रहा है आई प्लस 6 और ये 8, तो आई इज इक्वल टू 8 ये जाने के बाद माइनस, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट होगा बच्चों। इसमें सिंपल एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद होना इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, तो गिन लेना पहले, सबसे पहले ये 8 है बाहर जाने वाला, तो अंदर वाला भी 8 होना चाहिए था ना, अंदर आने वाला भी, तो 2 और 4 6 हो रहे, कितने बाकी है 2, तो 2 चिपका दो खत्म हिस्सा। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नहीं आता है लेकिन चांस होता है बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर आज तो बहुत इजी इजी एग्जांपल ले रहे हो सर, क्या बात है, नहीं नहीं इजी नहीं है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आने से हम लोग गलत करते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी एक दो एग्जांपल चिपका रहा हूं आपको, ठीक है ओके। तो यहां पे देखेंगे आप, देखो इनकमिंग कितना है 2 प्लस 2 4, एक बाहर जा रहा 4 में से, यहां पे 4 करंट आ रहा था 4 एम्पियर में से, गया 3 बचा है यहां पे 3 एम्पियर, 3 एम्पियर में से यहां पे 1 पॉइंट मतलब 3 एम्पियर से यहां पे 1.3 जा रहा है, तो यहां पे 7 है ना और यहां पे 1, समझ में आ रहा है, देखो 1 लिया था 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए 7, यहां पे 2 2 में से गया, तो 1.7 इतनी करंट बाकी है, मतलब ये जो आए है इसमें से 1.7 एम्पियर करंट आई में से फ्लो होगा, ये मतलब होगा उसका, और इसके लिए क्वेश्चन बाकी था सॉरी। तो फिफ्थ के लिए क्वेश्चन लिख लो बच्चों, द फिगर बिलो द शो करंट इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट आई इज, ऐसा क्वेश्चन था ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट, देखो अ 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओम कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ 4.5 एम्पियर फ्लो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो बैटरी का, ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस करने के लिए लाइन गिन तो कुछ भी नहीं है, है ना, ईएमएफ भी नहीं दिया, जैसे कि हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते थे ना, ये क्या ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, अभी कर सकते हैं क्या, नहीं लेंथ नहीं है, दूसरा एक फॉर्मूला इसके लिए ये E by V in minus 1, नहीं नहीं कर सकते ना, ईएमएफ नहीं दिया ना, ये दिया है लेकिन, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो V is equal to सही में हम लोग ओम्स का लिखते I into R, लेकिन मुझे स्मॉल R है इसलिए मैं इसके अंदर स्मॉल R ऐड कर दूंगा, टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो देखो V है मेरे पास 50 है कि नहीं है, आई है मेरे पास 4.5, कैपिटल आर है 10 और स्मॉल आर तो मेरे लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो 50 ये हो गए 45 मल्टीप्लीकेशन प्लस 4.5 आर, तो 50 माइनस 45 4.5 आर, तो यहां पे 5 बचेंगे 4.5 आर, तो आर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4.5 ओके, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1.1 है ना, कुछ तो ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, डिवीजन आता है ना सबको, ये 4.5 है 5 है, तो 1.1 ओम कितना रेजिस्टेंस यहां पे हम लोगों को मिल रहा है बच्चों ओके। नेक्स्ट 7 और 8 नंबर के जो क्वेश्चंस है उसके गिवन डेटा, 7 नंबर का क्वेश्चंस यहां पे मैं रीडिंग कर रहा हूं, आपको लिखना है यहां पे 4 रेजिस्टेंस वाला पी Q, R and S having the resistance of 2, 2, 2 and 3 ohm respectively, मतलब P की value 2, Q और R की भी 2 और S की 3 ohm है। Next question है student यहाँ पे respectively are arrange of
अरेंज टू फॉर्म द वेस्टर्न ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज जैसे अरेंज करना है. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ विच यस, यस मतलब सेंट रेजिस्टेंस, माइट बी सेंटेड इन ऑर्डर टू बैलेंस द ब्रिज. देखो दोबारा पढ़ रहा हूं. फोर रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एंड यस, हैविंग द रेजिस्टेंस 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm रिस्पेक्टिवली आर अरेंज टू फॉर्म द वेस्टर्न ब्रिज. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ विच यस मस्ट बी द सेंटेड इन ऑर्डर टू बैलेंस द ब्रिज इज टू बैलेंस. और ऑप्शन दिया वाले 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm एंड 6 ohm. मैं इसको पहले बैलेंस के तौर पे बना रहा हूं. ये P है, P आपको पता है 2 है, पी क्यू है, ये भी 2 है ना, और यहां पे ये पी क्यू आर है, ये भी 2 है, और ये जो अपना दिया है ये यस है और ये 3 ohm है. इसके बैलेंस करना है मुझे, ये यस है, पैरेलल लगाना है. क्वेश्चन यही तो है हमारे पास, ठीक है ना. ऐसे अब मेरे पास क्या फार्मूला है, तो पी बाय क्यू R by S, लेकिन S को पैरेलल X, ठीक है. अब S पैरेलल टू X कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. इसका कैसे बनाएंगे, पैरेलल है तो 1 by RP 1 by S 1 by X. इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, पैरेलल है तो S X S प्लस X. मैंने सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का एक वीडियो बनाया है बच्चों, इसमें देख लेना कि मैंने क्यों बनाया ऐसे, ठीक है. तो RP यस मेरे पास 3 X 3 प्लस X. तो बच्चों ये इसके इक्विवेलेंट मिला है मुझे, तो ये है 2 by 2, ये 2 और इसका इक्विवेलेंट 3 X 3 प्लस X. 2 मर गया बच्चों, तो ये देयरफॉर 3 X 3 प्लस X = 2 मिल रहा है. तो 3 X ये 2 3 प्लस X मिल रहा है. तो यहां पे आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ओके. तो देख लेना स्टूडेंट, यहां पे 3X, यहां पे 6 प्लस 2X, मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 और 2X, 3X - 2X = 6. समझ में आ रहा है, प्लस का माइनस होगा. 3X में से 2X गए बच्चों, एक ही बाकी मतलब 1X, मतलब यहां पे अगर x की वैल्यू 6 ओहम रखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा बच्चों. क्यों, क्योंकि ये यहां पे 1 by 3 1 by 6 है, यहां पे 2 ओहम का रेजिस्टेंस मिलेगा हम लोगों को. करके देखो यहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 6 मिल रही है ने? तो देख लेना यहां पे 3 6 3 प्लस 6, तो ये 18 और ये 9 मतलब 2 ओहम मिल रहा है ना, मतलब ये 2 ओम मिलना चाहिए, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, ये 2, तो ये 2 मिलना चाहिए, तो ये बैलेंस होने वाला था, ओके. कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. एक नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एट विच पॉइंट विल द नल पॉइंट बी ऑब्टेन ऑन अ मीटर ब्रिज इफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन द 2 गैप्स इस 2:3. ये दिया है मुझे x निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, x by r, यहां पे lg by lr लिखते हैं कि नहीं, क्या lg by lr, lr को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस lx लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. इसका रेशियो है 2 by 3, तो lx 100 माइनस lx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग देखो, और ये हो गया 3 lx. समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गए 200 माइनस यहां पे 2 lx 3 lx, ओके. 200 ये 3 lx, ये माइनस का प्लस हो रहा है बच्चों 2x, तो 200, तो यहां पे मिल रहा है मुझे 5 lx. मुझे lx की वैल्यू निकालना है, तो 200 ये 5 डिवाइडेड जाने वाला है, तो lx = 4 20 0 सेंटीमीटर
है ना, मतलब बच्चों जो ये लेक्स है बैलेंसिंग जो भी कर रहे हैं ना हम लोग, ये ऐसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, पता होना चाहिए आपको ये सर्किट थोड़ा, ठीक है, लेंथ है, तो ये जो है ये इसको ये लेक्स, ये एक्स है, ये आर है और ये एल आर है, तो ये जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये जो होगी 60 सेंटीमीटर अगर पूछते ही तो दोनों भी, ठीक है। तो होप है बच्चों कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, और सभी क्वेश्चंस हेल्प करते होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, अगर ये चैप्टर क्लियर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक दे चुका हूं, अगर लिंक ओपन भी नहीं होती तो दूसरी बार और बोल रहा हूं, जाके रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ऐसे क्वेश्चंस है उसके थंबनेल भी बनाया मैंने, मेरे यहाँ पे चैनल पे जाओ, चैनल में आप लोगों को नीचे एक सेमीकंडक्टर की पूरी 33 या 34 कुछ तो ऐसे वीडियोस है, उस वीडियो में जाके ढूंढना है। चलो थैंक यू, और आपको पढ़ाई के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक है।